रिम्स का एक ऐसा विभाग जो कभी हर दिन रिम्स का मान बढ़ाता रहा, मगर पता नहीं रिम्स के सीटीवीएस विभाग को किसकी नजर लग गई कि आज विभाग की स्थिति दयनीय हो गई है। सीटीवीएस विभाग के आईसीयू में इन दिनों नर्स ही नहीं है, रिम्स का ये आईसीयू नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बन गया है, जहां गंभीर मरीजों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। रिम्स में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कोई नई बात नहीं है, ऐसे आरोप समय समय पर रिम्स में आने वाले मरीजों के परिजन लगाते रहते हैं। रिम्स में ट्रेनिंग लेने वाले जूनियर डॉक्टरों के बाद अब यह आरोप रिम्स में ट्रेनिंग करने वाले नर्सों पर भी लगा है। खैर, इसमें उन प्रशिक्षु नर्सों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वह तो अभी ट्रेनिंग ले रही है। गलती सिर्फ और सिर्फ रिम्स के बड़े हकीमों की है। रिम्स में हृदय ऑपरेशन के मरीजों के प्रति लापरवाही खुद सीटीवीएस विभाग की जुबानी सुन लीजिए। की कमी नहीं है, सीटीवीएस विभाग में नर्सिस है ही नहीं है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये दो चार बार मैंने लेटर भी दिया हुआ उनको सबको कि अक्यूट शॉर्टेज है नर्सिस की। हम रोज कार्डिक सर्जरी कर रहे हैं, दो पेशेंट हमारे वेंटिलेटर के हैं, दो एक पेशेंट बहुत सीख के और चार पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव है, उनको देखने के लिए कोई भी क्वालिफाइड नर्स अवेलेबल नहीं है। और सेकेंड ईयर GNM स्टूडेंट्स जो हैं उनको दिया जा रहा है इवनिंग और नाइट ड्यूटी देने के लिए। वो बिल्कुल नई लड़कियां हैं, वो स्टूडेंट हैं, 10+2 की क्वालिफिकेशन करके सेकेंड ईयर GNM कोर्स कर रही हैं। उनको सिरिंज में इंजेक्शन भरना भी नहीं आता है। एक लड़की ने उसके सिरिंज में इंजेक्शन के साथ इतनी हवा भर दी थी और इंजेक्ट कर रही थी, मैंने उसको रोका। उनको बोलते हैं कि मेडिसिन को छील के पेशेंट को दिया जाए, उनको मेडिसिन निकालते निकालते ज़मीन में गिर जाती है। उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट सिस्टर्स को इवनिंग और नाइट ड्यूटी में कार्डिक सर्जरी पेशेंट्स के लिए दिया जा रहा है, विच इज़ टोटली अनसेफ। इसमें पेशेंट की जान को पूरा खतरा है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसकी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम टू टाइम दी गई है, रादर आज भी मैंने एक पत्र उनको दिया है, लेकिन पिछले 4-5 दिन से कोई रिस्पॉन्स नहीं। कभी रिम्स का मान बढ़ाने वाला सीटीवीएस विभाग अब अपने मरीजों का विश्वास खोता जा रहा है। विभाग के चिकित्सकों के तालमेल की कमी का असर सीधे मरीजों पर पड़ रहा है, मगर रिम्स के बड़े हाकिम अब तक विभाग समस्याओं से निपटने में नाकामयाब रहे हैं। समय रहते सीटीवीएस विभाग पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में परिस्थितियां और ज्यादा खराब हो सकती है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी दीपक के साथ सत्यव्रत की रिपोर्ट। और सीधे जुड़ेंगे सत्यव्रत किरण, हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, ये तो सीधा सीधा जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है रिम्स में, सीटीवीएस विभाग, जहां पर एक भी ट्रेंड नर्सेज नहीं है, बल्कि प्लस टू के जो नई लड़कियां हैं जो GNM के कोर्सेज कर रही हैं उनके भरोसे चल रहा है ये विभाग। बिल्कुल, सोचिए राजदा कि कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है रिम्स में जो हृदय सर्जरी के जो मरीज है उनके साथ। और रिम्स के सीटीवीएस विभाग की अगर बात करें राजदा, तो रिम्स के सीटीवीएस विभाग में किसी की नजर लग गई है, लेकिन नजर उतारने के लिए रिम्स प्रबंधन, रिम्स निदेशक, जिन्हें शायद नींबू और मिर्चा लेकर जाना चाहिए, वो अब तक नहीं पहुंचे हैं। हमने हाल में कुछ दिनों पहले दिखाया कि कैसे रिम्स के सीटीवीएस विभाग में जो मरीज हैं उनका हृदय का सर्जरी नहीं हो पा रहा है। करीब 90 दिन से मरीज रिम्स के सीटीबीएस विभाग में भर्ती है, लेकिन उनका सर्जरी नहीं हो पा रहा है और मरीज परेशान है। हमने दिखाया था कि किस तरह से रिम्स के सीटीबीएस विभाग में जो डॉक्टर हैं उनका आपसी कलह कहीं ना कहीं मरीजों के लिए परेशानी बनता जा रहा है, लेकिन इन सब समस्याओं से रिम्स प्रबंधन को कोई लेना देना नहीं। हमने दिखाया था राजदा कि कैसे रिम्स के अस्पताल में मरीजों को मामूली सिरिंच तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा, डॉक्टरों को इन्फेक्शन से बचने के लिए ग्लव्स तक नहीं मिल पा रहा, पारासीटामोल IV यानी कि जो स्लाइन की बोतल है वो मरीजों को नहीं मिल पा रही है। और आप ऐसे में समझिए कि रिम्स का जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग में से एक है, जहां मरीजों के हृदय का ऑपरेशन किया जाता है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है, उस विभाग के आईसीयू में कोई भी ट्रेंड नर्स नहीं है और पूरा आईसीयू हृदय के सर्जरी के जो गंभीर मरीज है वो उन नर्सिंग छात्राओं के जिम्मे है जिन्हें ठीक से इंजेक्शन तक लगाना नहीं आता। आप समझिए कि वैसे में अगर किसी भी मरीज की मौत
लापरवाही के कारण और रिम्स की इस व्यवस्था के कारण हो जाती है, तो आखिर मरीज के परिजन रिम्स में हंगामा क्यों नहीं करेंगे? और शायद यही कारण है कि समय समय पर रिम्स में जो मरीज हैं उनके परिजन हंगामा करते हैं रिम्स की व्यवस्थाओं पर, नर्सिंग की व्यवस्थाओं पर। रिम्स के एचओडी हैं सीटीबीएस विभाग के डॉक्टर विनीत महाजन, जिनका इंटरव्यू अभी आपने साफ तौर पर सुना होगा। उन्होंने खुद अपनी गलती स्वीकारी है कि उनके विभाग के आईसीयू में कोई ट्रेंड नर्स नहीं है। जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही छात्रा है उनके जो जिम्मे है वो आईसीयू विभाग है, जबकि दो दो वेंटिलेटर के मरीज उस रिम्स के सीटीबीएस विभाग में भर्ती है और वैसे ट्रेनिंग कर रहे नर्सिंग के भरोसे जिन्हें इंजेक्शन में जो है इंजेक्शन भरने तक नहीं आ पा रहा, जिन्हें अगर आप एक दवाई की दवाई का पत्ता दे दें तो वो दवाई के पत्ते से दवा तक बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, उनके हाथ से स्लिप हो जा रहा है। तो खैर ये उनकी गलती नहीं है, नर्सिंग की जो पढ़ाई कर रही छात्र छात्राएं हैं उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो सीखने आए हैं, उनसे आप यह उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं कि वो गंभीर मरीजों का इलाज करेंगे। लेकिन जो सीनियर नर्स है उसकी बहाली रिम्स के सीटीबीएस विभाग में होनी चाहिए और उसको लेकर लगातार रिम्स के जो एचओडी है सीटीबीएस विभाग के विनीत महाजन, उन्होंने चिट्ठी लिखा है रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक को, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वैसे में यही कहा जा सकता है कि रिम्स के सीटीबीएस विभाग में जो गंभीर मरीज है जिनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है वह मरीज भगवान भरोसे है। बिल्कुल, रिम्स प्रबंधन कौन से कुंभकर्णी नींद में है अब सत्यव्रत, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब लेटर कई बार दिया गया है उन्हें, कई बार हम खबरें दिखा चुके हैं, उसके बावजूद उनकी आंख जो है वो नहीं खुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने राजदा, कि हमारा जो कर्तव्य है कि हम रिम्स प्रबंधन को एक आईना दिखाएं कि कैसे रिम्स में जो कुव्यवस्था है वो पर्याप्त है और कैसे जो मरीज हैं जिन्हें यह उम्मीद होती है कि रिम्स राज्य का बड़ा अस्पताल है और वह मरीज आर्थिक रूप से कमजोर है और उनके लिए एकमात्र सहारा रिम्स है जहां उनके बीमारी का समाधान हो सकता है, और वैसे हजारों लोग रिम्स पहुंचते हैं अपने बेहतर इलाज के लिए, लेकिन जहां आपको चिकित्सक मिल जाएंगे लेकिन नर्सिंग की व्यवस्था नहीं मिलेगी। अगर नर्स मिल जाती है तो आपको इंजेक्शन जो है वो नहीं मिलेगा, बाहर से खरीदना पड़ सकता है, मामूली कॉटन यानी कि रुई तक आपको नहीं मिल पाएगा, जो स्लाइन की बोतल है वो नहीं मिल पाएगा। तो आप समझिए कि आखिर जो परिजन हंगामा करते हैं, जो रिम्स की व्यवस्था पर आरोप लगाते हैं, कहीं से उनकी कोई गलती शायद नहीं होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अपने मरीज को लेकर अस्पताल जाता है, रिम्स जाता है, मानसिक रूप से परेशान होता है, उसे लगता है कि जल्द से जल्द उसका मरीज ठीक हो जाए, और वैसे में अगर उस मरीज के परिजन को ऐसी व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ेगा तो कोई भी रिम्स पर आरोप लगाएगा। रिम्स प्रबंधन से बार बार यह उम्मीद होती है कि शायद खबर दिखाए जाने के बाद रिम्स जो कि कुंभकर्ण की नींद में सोया रहता है, जिसे हर बार झकझोर कर जगाने की जरूरत पड़ती है, बड़े बड़े हाकिम और हुजूर हैं, लाखों में उनका वेतन है, जिन्हें इसी काम के लिए पैसे सरकार के द्वारा दिए जाते हैं ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंद मरीज है उन्हें बेहतर व्यवस्था नसीब हो सके, उनका बेहतर इलाज हो सके, लेकिन वैसे अधिकारी फिलहाल नींद में ही सोए रहते हैं और न्यूज 11 के झकझोरने के बावजूद भी उनकी नींद नहीं खुलती है। रिम्स प्रबंधन, रिम्स के निदेशक को जरूरत है कि रिम्स के सीटीबीएस विभाग में जो नजर लगी है जल्द से जल्द उस नजर को उतारे, अपने घर से नींबू और मिर्चा ले जाए और सीटीबीएस विभाग में टांगे, क्योंकि यह पहली घटना नहीं है कि रिम्स के सीटीबीएस विभाग में आईसीयू में जो है वो नर्सों की कमी है और ट्रेनिंग सेंटर आईसीयू विभाग को खोल दिया गया है और बाहर से जो नर्सिंग की छात्राएं हैं वो आईसीयू में आके ट्रेनिंग कर रही हैं। विश्व का पहला ऐसा अस्पताल रिम्स होगा जहां नर्सिंग की छात्राओं को
ट्रेनिंग के लिए आईसीयू में रखा जाता है और वो भी सीटीबीएस यानी कि सबसे महत्वपूर्ण विभाग कार्डियक थोरैकिक वैस्कुलर सर्जरी, जहां पर हृदय का ऑपरेशन होता है, ओपन हार्ट सर्जरी किया जाता है। तो फिलहाल रिम्स प्रबंधन को चाहिए कि जल्द से जल्द जो डॉक्टरों की आपसी कला है उसे खत्म करे, नर्सिंग स्टाफ की जो कमी है उसे खत्म करे, ताकि मरीज को रिम्स के सीटीबीएस विभाग में बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए। तो साफ तौर पर हमने आपको रिपोर्ट के जरिए और अपने सहयोगी के माध्यम से ये बताया कि कैसे सीटीबीएस जो विभाग आईसीयू है जहां पर हार्ट की सर्जरी की जाती है वहां पर कैसे मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ना कोई ट्रेंड नर्सेज वहां पर मौजूद है, बल्कि जो नई नर्सेज बनने के लिए लड़कियां आई है प्लस टू करके, उनके देखरेख में ये मरीज है। और इस बुलेट लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।